अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे ब्लॉग। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ईद के ही दिनों में कि आप कितने अच्छे से अपने किचन की चीज़ों से अपने लिए एक अच्छा सा पैक बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड के शोर को अवॉइड कीजिएगा। मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और कज़न्स आए हुए हैं, इसलिए पीछे जो है ना चाहते हुए भी बहुत शोर हो रहा है वीडियो में। जो फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हम लेंगे लेमन होगा, शुगर होगा, चीनी, और यहाँ पे मेरे पास है सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा और सोडा एक ही होता है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आपने सोडा लेना है नॉर्मल जो खुला मिलता है, ये बॉटल वाला नहीं बता रही मैं आपको, ये आपको सोडा लेना है नॉर्मल सोडा जो खुला मिल रहा होता है वो ले लें, या पैक में ले लें, जिस तरह भी आपको ईजी लगे आप ले सकते हो। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो शुगर ऐड करेंगे। शुगर के अंदर हमें ये लेमन कट करना है, इस लेमन को हम कट कर लेंगे और इसको हम इसमें अच्छे से इसके अंदर इसका आप इसके ये बीज जो हैं ये साइड पे कर लीजिएगा। मेरे घर में एक अच्छा खासा सिनेमा हॉल खुला हुआ है इस टाइम पे, बिकॉज़ के सब अपनी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ वीडियोस वॉच कर रहे हैं, कुछ बहुत हल्ला गुल्ला है, मज़ा आता है इसी तरह कज़न के साथ। अच्छे से इसको नींबू को खाके देखो, ये शुगर मेल्ट होने लग गया है, अच्छे से शुगर इसमें मेल्ट हो गई। और अब जो हम करेंगे ना, मैंने ये जो रखे हुए हैं अपने पास लेमन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखा है कि इससे हम करने क्या वाले हैं। हम इससे इस शुगर को उठाएँगे, इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से। लेमन में विटामिन सी होता है और शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है, और उसकी वजह से आप अपने स्किन को अच्छे से साफ कर सकते हो, डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये खासकर जो पैक मैं आपको बता रही हूँ, ये पैक जो है फुट एंड हैंड के लिए है, आपके हैंड के ऊपर फुट के ऊपर कोई भी स्किन में होती है, इससे हम स्क्रब करेंगे अपने हैंड्स के ऊपर, खासकर उन डार्कर एरियाज पर करेंगे। स्क्रबिंग करना है, कम से कम आप 10 मिनट इसको स्क्रब करोगे बहुत अच्छा, और उसी टाइम पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुपर पैक है, अगर आप इसको हफ्ते में दो बार भी लगाएं तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। आप ये फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसी तरह फेस पे भी कर सकते हो, ख़ास कर ये फुट एंड हैंड के लिए है, जो हमारी डेड स्किन होती है, सन टैंस होते हैं, आपके सन टैंस ये एकदम से रिमूव कर देगा, आपको 80% रिज़ल्ट उसी टाइम इसका अच्छे से नज़र आएगा आपके फुट एंड हैंड पे। सन टैन जो हमें गर्मियों में पड़ जाते हैं सूरज की तपिश और रोशनी से, यूवी रेस से, वो आपका ये अच्छे से रिमूव करेगा। और गर्मियों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप किचन के अंदर ही कुछ ऐसा सामान हो कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ ना करना पड़े और आप DIY करके अच्छा सा एक बैग बना लें अपने फुट एंड हैंड के लिए। यहाँ पे हम इसको 10 मिनट तक इसी तरह स्क्रबिंग करेंगे। 10 मिनट आफ्टर हम सेकंड स्टेप पर आएंगे और बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। 80-90% आपका जितना भी सन बर्न होता है, सन टैंस होते हैं, उनको रिमूव करता है। आप ये यूज़ कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये किस तरह का लगा पैक। और ये पैक होम मेड है, DIY है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ईज़िली आपको घर पर ये सब चीज़ें मिल जाती है। अब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा इसका, हम वो भी लेमन में लेंगे, वो होगा सोडा। इस सोडे को आप हैंड पे डाल लीजिए या लेमन के ऊपर करके आप उसको स्क्रबिंग करेंगे अच्छे से। और आप इसको हाथ से भी कर सकते हो,
हाथ से भी कर सकते हैं, पर जो लेमन है लेमन से अच्छे से स्क्रबिंग होगा और लेमन का जितना भी जूस है वो आपकी स्किन को शाइन करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। और लेमन के साथ ही आप इसको हैंड पे अप्लाई करें, हैंड पे, फेस पे, फुट पे, खासकर ये जो है पैक ये है हैंड एंड फुट के लिए, बिकॉज के सन टेंस हो जाते हैं यूवी रेस की वजह से, गर्मी की शिद्दत बहुत है। और जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और घर का होममेड है सारी चीज़ें, इजीली आपको घर में मिल जाती हैं। DIY छोटा सा है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 to 20 मिनट तक आपने जस्ट स्क्रबिंग करनी है। 10 मिनट्स मैंने यहाँ पर शुगर अप्लाई किया था, शुगर और लेमन को मिक्स करके उससे अच्छे से स्क्रब किया था। देन सेकेंड एंड लास्ट जो स्टेप है वो यहाँ पर सोडा है, और सोडे को अप्लाई करके उसको भी आपने 10 मिनट्स तक अप्लाई करना है और अच्छे से स्क्रबिंग करनी है अपने हैंड्स की। जो एरिया आपका सन बर्न है या सन टेंस है उस एरिया को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा रबिंग कीजिएगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। जो चीज़ मैं घर में खुद यूज़ करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी 10 मिनट तक मैं यहाँ पे इसको स्क्रबिंग करूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इसका। ओके, मुझे यहाँ पे जो है इसको ये देख लीजिए लेमन का हाल, और दूसरा वाला भी आप इसी तरह, जो दूसरा वाला है वो अपने दूसरे हैंड पे करोगे। मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है इसलिए मैं नहीं कर रही, वीडियो के बाद मैं दूसरे हैंड पे करूँगी ताकि आपको फ़र्क वाजिया नज़र आए। इसको 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ। मैं चाह रही थी कि आपको आपके सामने ही वॉश करके, हैंड वॉश करके दिखाऊँ इसका रिज़ल्ट, बट ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे हैंड वॉश करने पड़ेंगे अच्छे से। और ये इस तरीके से कुछ स्क्रबिंग कर रहा है, और इसका ये जो चीनी है ना इसके अंदर अच्छा सा एक स्क्रब बन गया आपका। ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ना छोटे छोटे शुगर के, वो एक अच्छे से जो है स्क्रबिंग का टच दे रहे हैं। आप इस तरीके से बाद में हैंड से भी कर सकते हो। मैं इसको वॉश करके आती हूँ फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके जी, आप यहाँ पर देख लो मैंने अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और ये आप देख लीजिए फ़र्क इन दोनों में साफ वाजिया है। यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे से इसने यहाँ की ये जो स्किन है, ये जो टेंस होते हैं ये रिमूव कर देता है। आप इसको वीकली ट्विस अ वीक भी कर सकते हो, हफ्ते में दो बार भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत अच्छा रहता है ये आपकी स्किन के ऊपर। और आपको सब चीज़ें किचन में से ही अवेल हो जाती हैं, इसलिए कि DIYs आप घर में करके आप इतनी नॉर्मल और सॉफ्ट स्किन हो गई है। आप अच्छे से अपने घर में इस तरीके के DIYs करके अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है हर बंदे को कि गोरा ही होना है, ये गोरा होने की कोई नहीं है कि छड़ी घुमाई और गोरा हो गया, बस ये नीट एंड क्लीन कर देता है आपको अच्छे से। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी ये लेमन वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।